वालेकुम सलाम। एक्सपोर्ट स्कूल का चाहिए, 5 साल की बच्ची है, 24 साइज चाहिए। 5 साल की बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, 24 साइज है। ऑक्सफोर्ड का 24 साइज निकालो 5 साल की बच्ची का। फराग अच्छा बच्चे में कराची कैम्ब्रिज के लेके आओ भाई, कराची कैम्ब्रिज के। क्या बताइए क्या परसेंटेज आई है? यूनिफॉर्म चाहिए हमें। यूनिफॉर्म मिल जाएंगे लेकिन परसेंटेज क्या आई है बच्चों की? क्या ये कौन सी क्लास में? 2 में है? 3 में? बराबर 2 में। इनकी 2 में क्या परसेंटेज आई है, इनकी 1 में क्या आई है वो बताएं। असल में 90 से कम जिसकी है हम उन्हें यूनिफॉर्म नहीं दे रहे। क्यों है? ये क्या तरीका है? असल में हमारी भी एक रिक्वायरमेंट है ना, पीछे से स्कूल हमें बोल रहा है कि उनको यूनिफॉर्म ना दो जो पढ़ नहीं रहे। 1 2 3 4 5 लगा दो। वालेकुम सलाम। इनके लिए चाहिए कौन सी क्लास में? 7वीं क्लास में। निकालो भैया 1000 रुपये देते। कंप्लीट चाहिए? कंप्लीट चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, उसकी कमीज भी ले आओ, मुझे ये बताएं कि ये इसकी मार्कशीट है 6ठी क्लास की है, है? वो लेके आ जाए और अल्लाह आपका भला करे। अपना निकाहनामा भी ले आए। निकाहनामा किस काम के लिए? आपका बेटा है ना ये? जी जी। तो निकाहनामा लेके आया आप? तो निकाहनामा किस चीज लिए लेकर आए? नहीं ये देखिए वेरिफिकेशन। यूनिफॉर्म लेने आया है? कोई शादी दफ्तर नहीं आया? नहीं शादी दफ्तर की बात नहीं है, असल में नादरा से सख्ती हुई है कि वेरीफाई करके आप वर्दियां दो। असल में वर्दियां स्कूल की वर्दियां पहन के बच्चे डकैतियां मार रहे हैं। वो मार रहे होंगे मगर मैं तो अपने बच्चे को यार यूनिफॉर्म दिलाने आया हूँ या निकाहनामा के दफ्तर आया हूँ। मैं आपसे कोई गलत बात ही नहीं कर रहा, आप वेरीफाई करवाए। टोटल गलत बात कर रहे हो। आप वेरीफाई करवाए, आप चले वेरिफिकेशन कराऊंगा भजन। मैंने आप मैं आपसे यूनिफॉर्म लेने मुझे तो नहीं पता ना ये बच्चा आपका आ गई है, फराग आ गई है। अच्छा इसमें 2-3 चीजें दे दिए, इसमें 2-3 चीजें हमारी रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर दे। एक तो बच्ची की पासपोर्ट साइज तस्वीरें मंगा लें, ठीक है? अपनी आप अपनी भी पासपोर्ट साइज मंगवा लें, अपनी वाइफ की भी मंगवा लें। और मकान आपका अपना है किराए का? अपना है। तो मकान के कागजात लें ओरिजिनल, और अपना बैंक का मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लें, और बच्ची का करेक्टर सर्टिफिकेट लें। अमेरिका भेज रहा हूँ। अमेरिका नहीं, वर्दी ले रहे हो ना आप? भाई मैं पहले भी लेके जा चुका हूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं अब असल में रिक्वायरमेंट आ गई है, अब हम स्कूल की यूनिफॉर्म ऐसे दे नहीं रहे, अब हम सारी चीजें वेरीफाई करके दे रहे हैं। आप जब तक कागजात दोगे ना अपने ओरिजिनल घर के वो हमारे पास रहेंगे। बच्ची जब तक स्कूल की यूनिफॉर्म, जैसी स्कूल पास करेगी आप यूनिफॉर्म वापस लेना, हम कागजात आपको वापस दे देंगे। ऐसा कोई नुकसान नहीं है भाई, ऐसा मैं पहले भी ले जा चुका हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं तो हम बता रहे ना, ऐसी अब बात हो गई है ना, अब आप देखे स्कूल का यूनिफॉर्म नया कानून को आप बता रहे हो। आप बच्चे भी नहीं लाए ना, हमें थोड़ी पता है आप ये यूनिफॉर्म खुद पहन के वो लॉलीपॉप की उसके लड़की बन जाए, हमें क्या पता। सर ये कौन सा है 92% वो 95 वो क्या तरीका है, कौन सा लॉ है? हमारा लॉ है ना ये, हम बच्चों को नहीं दे रहे। अभी वो बच्चे आए थे 2 टॉप करके गए, उन्हें यूनिफॉर्म मिला। अभी 65% थी बी ग्रेड भरा था, उन्हें मैंने बुद्धि पे चमाट मार के भगाया। स्कूल में बताना चाहिए ना पहले तो 90% आई है, 95% लेके आते हैं। रिपोर्ट कार्ड आप लेके आएंगे ना? आप रिपोर्ट कार्ड लेके आए और आपने कहाँ तक पढ़ा है? अजीब बात कर रहे हैं तुम ये है? वो भी कंसीडर होगा, वो भी लिखा जाएगा आपने कहाँ तक पढ़ा है। फिर आपके पुराने जहाँ से आपने यूनिफॉर्म लिए है वहाँ से रसीदे लगाई, फिर उन बच्चों को यूनिफॉर्म मिलेगा। मैं तो अपने बच्चे को यार यूनिफॉर्म दिलाने आया हूँ या निकाहनामा के दफ्तर आया हूँ। मैं आपसे कोई गलत बात ही नहीं कर रहा, आप वेरीफाई करवाए। टोटल गलत बात कर रहे हो। आप वेरीफाई करवाए, आप चले वेरिफिकेशन कराऊंगा भजन। मैंने आप मैं आपसे यूनिफॉर्म लेने मुझे तो नहीं पता ना ये बच्चा आपका। जाहिर सी बात है बच्चों को लेकर आया तो मेरा ही बच्चा है। एक काम करे अगर आप यूनिफॉर्म लेना है यूनिफॉर्म। अच्छा आप निकाहनामा नहीं लेके आ रहे ना, आप ये DNA टेस्ट करा के लाए खान लेबोरेटरी से जाए। भाई किस चीज के DNA के? मैं खुदा ना खास्ता क्या हॉस्पिटल आया हूँ? हॉस्पिटल नहीं, हम वेरीफाई तो करें। बच्चा आपका मुंह नहीं मिल रहा इससे, आपसे मुंह तो आपसे भी मेरा नहीं मिल रहा। तो फिर
मैं आपका बच्चा हो गया हूँ। मेरी बात सुनो, मेरे को लग रहा है आपका दिमाग सही नहीं है, आप मेरे को पैसे वापस कर। नहीं नहीं पैसे क्या वापस कर दो, पैसे ये बिल बन गया ना। नहीं बिल क्या बन गया, मैं किस तरह के सामान आप जो मंगा रहे ला के दूंगा, ये पंचायत में मैं नहीं पढ़ूंगा, आप मेरे को दे दो पैसे वापस। नहीं नहीं भाई जान, पंचायत आपको पढ़ना पड़ेगा। आप देखिए बच्ची को एडमिशन करा रहे ना, ये जून जुलाई के बाद जाएगी ना बच्ची, तो ये आप नहीं लेंगे यूनिफॉर्म। स्कूल खुलने वाले आप मेरे को या यूनिफॉर्म दे दो या पैसे दे दो, थोड़ा ज्यादा बात नहीं करो। आप ये कर लेना। नहीं नहीं आप पैसे, आप एक काम करें, आ रहे भाई पैसे आपकी आसानी के लिए, हमारा बच्चा चला जाएगा, घर के कागजात ले ले। अरे भाई क्यों नहीं बात कर रहे, छोड़ो आप पैसे दे दो, आप छोड़ो है? पैसे दे दो। नहीं नहीं पैसे क्यों दे दो, अरे भाई पैसे दो है? पैसे दो, आप नई बात नहीं समझ रहे, पैसे दो। भाई मेरी बात सुने, आप समझने की कोशिश करें। क्या समझूं, आप समझने की कोशिश करें। आप किस चीज पे तप रहे, किस चीज पे? आप मेरे को इतनी चीजें बोल लो कि ना तो घर के कागजात लेके आओ, ये एनआईसी नहीं तो गारंटी के तौर पे नहीं रखवाते? गारंटी के तौर पर 800 रुपए का मैं सूट ले रहा हूँ बच्चे का, सही है? अब मैं घर के कागजात भी लेके आऊँ? भाई यार आपका दिमाग सही नहीं है मेरे ख्याल से। भाई कहाँ से आया लो भाई, है ये भजन सिद्धि से आया लो, ये वहाँ पे हमारी सिद्धि में वो इसका हेड ऑफिस है यूनिफॉर्म का, ये वहाँ से आया लो, तो हम किसी को भी नहीं दे रहे। मेरे भाई सिद्धि में बेचो यूनिफॉर्म जाके, सिद्धि में बेचो यूनिफॉर्म जाके। आप ये सिद्धि में आओ मुझसे यूनिफॉर्म लेने, कराची में ले रहा हूँ। कराची में ले रहा हूँ तो दे रहे ना हम आपको, ठीक है ना यार? आप रिपोर्ट कार्ड लेके तो आए यार, ये अजीब कमाल का बंदा है। तुम्हें खड़ा कितने किया है यहाँ पर? खड़ा मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, मैं क्या या ईटो पे खड़ा हूँ? मैं बोला ऑनर ऑनर ने क्या है, कहा तुम्हारा ऑनर क्या है, बुलाया आपने ऑनर को? बुला नहीं, ऑनर यहाँ है ही नहीं, ऑनर होता ही नहीं है यहाँ पे। क्या होता है ऑनर? वो अलग दुकान में बाल काट रहा है, नाई की दुकान भी है भजन। फिर हम क्या वेरीफाई करें, क्या करें? इस चीज की वेरिफिकेशन कराऊं यार? आप देखो मैं यूनिफॉर्म लेना है, डेढ़ साल नहीं ऐसे वर्दी नहीं मिलेगी आप। या तो बच्चे का एक मेरी बात सुने, कहाँ पैदाइश हुई है? कराची में ही हुई है। कराची में उस अस्पताल में सर्टिफिकेट लेके आए। ये ले भाई। भाई तेरा दिमाग सही है या नहीं है, या सही करूँ मैं? किस चीज की बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? आप कुछ वेरीफाई नहीं करा रहे हो, शर्म बढ़ा रहे हो। शर्म क्या मतलब है, आप किससे बात कर रहे हैं, आप जानते हैं मैं कौन हूँ? आप भजन कौन है? आप जो भी है, आप इस बच्चे का वेरीफाई कराए ना। आप मुझे किस का वेरीफाई कराऊं? आप बात सुनो, इतना टाइम नहीं है भाई मेरा। हेलो यूनिफॉर्म दो मुझे। क्या आप जाओगे नहीं, जानते नहीं हो आप इधर? आप आ जाओ ना, मैं यही कह रहा हूं। इधर यूनिफॉर्म दो और मुझे पैसे दो। भाईजान मैं यही हूँ, मैं आपको कहीं क्यों डाल रहा हूँ मेरे गले में? भाई आप अपना पट्टा अपने गले में डाले। ये पट्टा है? हाँ ये पट्टा ही कहते हैं। कुत्ता हूँ बल्ला आलम, आप हो या नहीं हो मुझे थोड़ी पता है। अच्छा अभी भी कंफर्म नहीं है? मतलब शेर और कुत्ते में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा? कुत्ता हो या शेर हो, आप मुझे पैसे रिटर्न दे दें भाई, मैंने यूनिफॉर्म नहीं लेना यार। ऐसी दुकान से मुझे यूनिफॉर्म नहीं लेना जिसमें डीएनए कराओ, हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट लेकर आओ, डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ, किस चीज का दूं यार मैं? भाई एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, थर्मामीटर ले जाओ। इससे बात करो ना बच्चे से, कि थर्मामीटर आप इससे क्यों बात करो, इससे बात करो यार। टेम्परेचर चेक कर लो ना, मतलब टेम्परेचर बाहर जाके चेक करो, गर्मी 34-36 सेंटीग्रेड चल रही है यार। आप ये देखे ना, आप 34-36 में मुझे हटा रहे हैं आप। पैसे दे भाई, तू कैसे नहीं देगा पैसे यार, कैसे नहीं देगा तू? आपको एक चीज मैंने बोल दिया, आपको समझ ही नहीं आ रही है? समझने की क्या बात है इसके अंदर, मेरे को तो पैसे थे, मैं काफी तरह कागजात, गाड़ी वाड़ी लेने बैंक से लेने जाते हो, बैंक से लेने जाते हो तो वो उस वक्त वो नहीं करते। एक सेकंड बात सुनो, बात सुनो, मजाक करो। ये यूनिफॉर्म भी ले जाओ और ये पैसे भी हमारी तरफ से ले जाओ, आपके साथ हमने मजाक किया है, आई एम सॉरी। वो देखे पीछे कैमरा लगाया हुआ है, इस टाइम पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है। एक कैमरा देखे, वो लगा रहा हाथ ही लगा, 5,000 रुपए दो। हाँ रिश्वत ले रहा हूँ ना, अब आप तुम चीजें जमा नहीं करोगे, रिश्वत डाल दो मेरी जेब में। नहीं सही है भाई, अच्छा 3,000 ले रहे हो तुम? अच्छा बात सुनो, यूनिफॉर्म लेके जाओ, मजाक कर रहा हूँ। आप ये रखें और मुझे पैसे वापस दे, मुझे यूनिफॉर्म नहीं लेंगे। नहीं पैसे वापस नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं लेंगे पैसे वापस, क्यों नहीं देंगे आप? ये देखे ना, ये बिल जब फट जाता है ना हमारा काम हो जाता है। बाहर बिल विल मुझे पैसे दो यार। भाई साथ दे रहा होता है, मैं दुकान से ले लूंगा, सेट हिसाब लेता है। सेट हो नहीं हो, आप सेट हो, बस मुझे पता है आप सेट हो यहाँ के। सेट बोलते शक्ल से मैं इतना सेट वाली पर्सनालिटी है, मैं सेट नहीं हूँ यार। सेट हो, आप मुझे पैसे वापस दो, मैं सेट को नहीं जानता यहाँ। आप मुझे पैसे, भाई मैं आपको नहीं जानता भाई, पैसे वापिस दो। अच्छा वर्दी लेके आ रहा हूँ, वर्दी लेके आओ। मैंने मजाक किया आपके साथ और बच्चे के साथ, हमने मजाक किया। इस टाइम पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, वो देखे कैमरा लगा हुआ, इस टाइम पूरा पाकिस्तान, ये आपकी वर्दी आ गई है,
ठीक है जी। और एक कैमरा देखे वो लगा हुआ, हाथ दिला दे।